हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिलासपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधीश बिलासपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधीश बिलासपुर भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिलासपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द चुनाव आयोग ने इन्हें यहां से नहीं हटाया तो वे चुनाव प्रचार छोड़कर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिलाधीश बिलासपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित नादौन के रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार के इशारे पर चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का लोकल होने के बावजूद भाजपा एजेंट के रूप में बिठाया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी जिलाधीश या एसडीएम जो स्थानीय होगा उसको बदला जाएगा, लेकिन जिलाधीश बिलासपुर को क्यों नहीं बदला गया? वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नादौन के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस के द्वारा भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इमीडिएटली यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो उनके बिहेव से, उनकी कार्यपद्धति से, कि बिलासपुर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्ड होल्डर बन के जो है वो बिहेव कर रहा है। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले अगर पुराना सारा निकाल दिया जाए, मेंबर पार्लियामेंट के कहने से डिप्टी कमिश्नर ने पैसे आवंटित किए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को पूछा नहीं और ना पंचायतों को पूछा, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये पैसा डीसी ऑफिस का प्रयोग करके वो पैसा दिया गया था, वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन उसमें भी डिप्टी कमिश्नर ने हमारी नहीं सुनी। जब अभी चुनाव आए तो अखबारों में आया कि लोकल अधिकारी डीसी जो है वो डीसी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर है ये वोटर भी हमीरपुर का है, नादौन कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके घर हैं और ये अनुराग ठाकुर का जो है वो दाया बाजू गिना जाता है। हमने कंप्लेंट भी करी कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए अगर चुनाव जो है वो ठीक करवाने हैं। आज की तारीख में हो रहा है कि जहाँ पे चुनाव के समय पे जो है वो धज्जियाँ कानून की उड़ाई जा रही है, वहाँ उसको संरक्षण जो है वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के दफ्तर से मिल रहा है। जिनकी ड्यूटियाँ लग रही हैं वो विशेष पार्टी की विचारधारा के लोगों की ड्यूटियाँ लग रही हैं। जो दूसरे कर्मचारी लीडर हैं उनके टेलीफोन सर्विलेंस पे रखे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय जो है कर्मचारियों को धमका रहा है और आज की तारीख में जो एक एमपी ने जो वो लगा रखी है कोई एम्बुलेंस लगाई है दवाइयाँ बांटने के लिए, वो जब एमपी ने लगा रखी है उसका जो है सारा जो है वो पब्लिसिटी अनुराग ठाकुर की हो रही है। हमने कहा तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये रूटीन वर्क है। आज भी गाड़ी जो है वो सिकरवाह में है। हमने इलेक्शन कमिश्नर को भी बोला, हमने डीसी को भी बोला, लेकिन डीसी ये कह रहे हैं कि ये रूटीन वर्क है। तो रूटीन वर्क है तो मैं कहूँगा ये ऐसी परिभाषा डीसी के मुँह से निकलना और डिप्टी कमिश्नर का एक पार्टी विशेष के लिए काम करना, हमने उनके फ़ोटो भी दिए जब वो आरएसएस के वहाँ पे नमस्ते करने के लिए गया हुआ था, वो फोटो भी हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा। लेकिन इमीडिएटली अगर मान लो डीसी बिलासपुर को यहाँ से नहीं हटाया गया तो मैं इसको जो है मैं कहूँगा कि कंपेन लग रही पर मैं धरने के तौर पर बैठूँगा। और इस प्रकार के ऑफिसर जो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का सारा मैं कहूँगा कि दारोमदार उनके हाथ में दिया हुआ है। कारण क्या है कि जब अखबारों में आ गया कि लोकल ऑफिसर नहीं रहेंगे वहाँ पे एज ए डीसी और एसडीएम, कारण क्या है कि बिलासपुर का जो डीसी है उसको चीफ सेक्रेटरी ने हिमाचल गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनके बैठाया हुआ है।